हम इस दुनिया के अजूबों को खोने जा रहे हैं, प्राकृतिक अजूबे भी और मानव निर्मित अजूबे भी, ग्रेट बैरियर रीफ हो या फिर वेनिस। मुझे लगता है कि इस ग्रह पर मौजूद हर व्यक्ति को एहसास है कि हमारा घर संकट में है। हम सबको समझना होगा कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं और फिर इस बदलाव की प्रक्रिया में हमें उनका इस्तेमाल करना होगा। मुझे लगता है कि हमारे पास एक आर्थिक तंत्र है जो अंतहीन आर्थिक वृद्धि के तौर पर सफलता, प्रगति, स्वास्थ्य को परिभाषित करता है, और ये ज्यादातर वृद्धि अंतहीन उपभोग की विचारधारा से जुड़ी है, और यही परिकथा है। जैसे कि ग्रेटा थुनबर्ग ने कहा है, ये हमारे ग्रह की क्षमता के अनुरूप नहीं है, इसलिए हमें एक अलग आर्थिक मॉडल चाहिए। अब जबकि जलवायु परिवर्तन एक स्पष्ट खतरा बनकर सामने आया है, तो हमारे सामने ट्रंप जैसे, बोल्सोनारो जैसे, डुटेरटे जैसे लोग आ रहे हैं जो लोगों को आपस में भिड़ाने में महारत रखते हैं। ये नेता इन्हीं असुरक्षाओं का फायदा उठा रहे हैं, उनके अपने समाजों में गहरा डर है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों को हम तभी मात दे सकते हैं जब हमारे पास नीति आधारित एजेंडा हो जो ग्रीन न्यू डील जितना मजबूत हो। वैश्विक उत्सर्जन को 11 साल में आधा करना होगा। जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में ये काम और भी तेजी से करना होगा। क्योंकि हम कई सदियों से प्रदूषण फैला रहे हैं, इसलिए हमें इस पर तेजी से काम करना होगा। अगर हम अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, तो हमें और कदम उठाने होंगे। बड़ी जीवाश्म कंपनियों को 1970 के दशक में ही जलवायु परिवर्तन के बारे में पता था। एक्सॉन और इस तरह की दूसरी कंपनियों ने गलत सूचना फैलाने और जलवायु परिवर्तन से इनकार करने पर लाखों डॉलर खर्च किए, बड़े विज्ञापन छपवाए, दक्षिणपंथी थिंक टैंकों को पैसे दिए जो सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर गलत जानकारी फैलाने के लिए बने थे। अगर ये कंपनियां अपनी जिद पर कायम रहेंगी, तो हमें भी उन्हें जब्त करने के बारे में लगातार बात करनी होगी। अगर आप सोचें कि हॉलीवुड ने हमें क्या दिया है, तो जब भी भविष्य की झलक दी जाती है, हमें पर्यावरणीय और सामाजिक संकट ही दिखाए जाते हैं। हमें एक दूसरा पहलू भी चाहिए जहां हम एक दूसरे से लड़े नहीं, बल्कि मिलकर इस संकट का सामना करें।